वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड फॉर 12th क्लास स्टूडेंट और हम बात कर रहे हैं माइक्रोब्स एंड वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर की। और आज के रेफरेंस में हम वही बात करेंगे जो पार्ट सेकंड इसका बनना है, डेट इज द माइक्रोब्स इम्पॉर्टेंट और ए सिग्निफिकेंस इन द एग्रीकल्चर फील्ड। तो कल की क्लास में हमने बहुत सारी चीजें बताई थी और उसको आज स्टार्ट करेंगे। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं। और आज का मोटिवेशन मैसेज है कि मेरे प्यारे बच्चों, आप हमेशा मुस्कुराते रहिए और हमेशा कोई भी काम हो, कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, उसके लिए आप डरिए नहीं, हमेशा साहस के साथ एक मुस्कुराहट के साथ काम को स्टार्ट करिए। अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो आज की पाठशाला का टॉपिक है दैट इज अ माइक्रोब्स इन अ फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर पार्ट सेकंड। और इसमें हम बताएंगे कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के बारे में बताया था कि कैसे वो बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम, ठीक है, और एजेटोबैक्टर, नॉन स्टॉक, एनाबीना, ये सब होते हैं, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट इज दैट कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ये क्या काम करते हैं, अमोनिया से नाइट्रेट जो होते हैं ये बेसिकली फर्टिलाइजर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, उर्वरक बनाते हैं। और ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, ठीक। तो पहला क्या होता है, अमोनिया को नाइट्राइड में बदलने वाले जीवाणु, जैसे नाइट्रोसोमनास। तो मतलब अमोनिया को नाइट्राइड में बदलने वाले जीवाणु वो क्या होते हैं, नाइट्रोसोमनास। ये अमोनिया है और ये O2 से जब ये जुड़ता है, ठीक है, O2 अगर इसमें मिल जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोसोमनास बैक्टीरिया, तब क्या बनता है, 2HNO2 और 2H2O बनता है। तो ये क्या है, नाइट्राइड है, ये क्या है, नाइट्राइड है। और कुछ ऐसे होते हैं कि इस नाइट्राइड्स को नाइट्रेट में बदलते हैं, जैसे कि नाइट्रोबैक्टर। जैसे 2NO2 हमने लिया, ठीक है, इस 2NO2 को हमने लिया और अगर इसकी O2 की प्रेजेंस में हमने किया, ठीक, और ये क्या है, इसमें नाइट्रोबैक्टर भी पाया जा रहा है, तो ये नाइट्रेट बनाता है और एनर्जी कुछ प्राप्त होती है। डेट्स वाई की 2NO3 जो होता है नाइट्रेट के फॉर्म में मिलता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। आगे देखिए, That is the decay and dead plant animal. तो माइक्रोब्स कैसे इसमें काम करते हैं, देखिए, कुछ बैक्टीरिया पौधों और जंतुओं के मृत शरीर के जटिल यौगिकों को सरल पदार्थों में विघटित करते हैं। भाई जो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो डेड एंड डिके मटेरियल पर, ठीक, कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ केमिकल को, सब्सटेंस को सिंपल मॉलिक्यूल में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल में बदलते हैं, जिसमें जल हो गया, CO2 हो गया, नाइट्रेट हो गया, सल्फेट आदि क्या होते हैं, सॉयल से क्या होते हैं, मुक्त होते हैं, ठीक है। और इस प्रकार भूमि की जो फर्टिलिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे जैसे डेड एंड डिके मटेरियल क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, वैसे वैसे उसकी फर्टिलिटी रेट बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, कंटेंट होते हैं, न्यूट्रिशंस, जो क्या करते हैं, फर्टिलिटी रेट को बढ़ाते हैं। आगे देखिए, जैसे कि सल्फर बैक्टीरिया, अगर इसकी सल्फर बैक्टीरिया की बात की जाए तो बेसिकली ये क्या होते हैं, ये भूमि में रहने वाले कुछ सल्फर जीवाणु, जैसे कि थायोबैसिलस, एग्जांपल याद रखिएगा, प्रोटीन युक्त पदार्थों के सड़ने से उत्पन्न, ठीक है, H2S यानी कि हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड में क्या करते हैं, बदल देते हैं। H2SO4 भूमि में पाए जाने वाले लक्षणों के साथ क्रिया करके सल्फेट सॉल्ट को बनाते हैं, क्या बनते हैं, सल्फेट सॉल्ट को बनाते हैं, जो बेसिकली पौधों में सल्फर मेटाबॉलिज्म के लिए क्या होते हैं, इन सल्फेट लबड़ों का अवशोषण किया जाता है। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, जो सल्फेट बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करेंगे, H2S को H2SO4 में बदलेंगे। H2SO4 क्या करता है, विभिन्न प्रकार के सल्फेट से क्रिया करके सल्फेट सॉल्ट बनाता है, और सल्फेट सॉल्ट क्या करता है, ये सल्फर के मेटाबॉलिक एक्टिविटी में क्या करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है, किसका काम करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की पाठशाला का जो बचा हुआ ओवरव्यू है वो पार्ट सेकंड ये है। आई होप माइक्रोब्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर आपको समझ में आया हो। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को दबाए रखिए ताकि आपको बायोलॉजी पाठशाला का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप अपने डाउट शेयर कर सकते हैं और आपको डेफिनेटली इसका सोल्यूशन मिलेगा। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। थैंक्स अगेन।